नमस्कार दोस्तों, करेंट जॉब यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ CISF फायरमैन कांस्टेबल एग्ज़ाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब जारी होगा, ठीक है दोस्तों। जिसका पोस्ट जो है 1149 पोस्ट पे ये वैकेंसी आई थी, उसके बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। उससे पहले दोस्तों, जो भी भाई मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर दबा ले दोस्तों, कि आने वाली नोटिफिकेशन की वीडियो आपको तुरंत मिल सके। अब चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। दोस्तों, इसका फिजिकल तो बहुत कैंडिडेट क्वालिफाई कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसका फिजिकल दोस्तों कब हुआ है? इसका फिजिकल जो है दोस्तों 10 अक्टूबर को हुआ था। कब हुआ था? 10 अक्टूबर को इसका फिजिकल हुआ था दोस्तों, और फिजिकल सभी भाई इसमें कंप्लीट हो गया है सभी का, ठीक है। अब दोस्तों, फिजिकल जब कंप्लीट हो गया है तो एग्ज़ाम कब होगा और एडमिट कार्ड कब जारी होगा, आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा, ठीक है दोस्तों। उससे पहले दोस्तों, एक वैकेंसी के बारे में बात करता हूँ जो 429 पोस्ट पे आई थी हेड कांस्टेबल का, ठीक है दोस्तों। इसका भी अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। आपके मन में सवाल होगा, सर ये 2019 में ये वैकेंसी आई है 429 पोस्ट पे हेड कांस्टेबल का, इसका फिजिकल तो हो गया है, एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, तो फायरमैन का एग्ज़ाम कैसे होगा? आपके मन में सवाल होगा, तो मैं उस सवाल का आपका क्लियर करूँगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे लॉगिन दिया हुआ है, आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। इस पर क्लिक करने के बाद आप नीचे जाइएगा, पहला में क्या है, न्यू रजिस्ट्रेशन है, फिर फॉरगेट पासवर्ड है, वेरीफाई मोबाइल एंड ईमेल आईडी, ठीक है दोस्तों। और नीचे जाना है आपको, और नीचे जाना है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे करेंट ओपनिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट में जो है कांस्टेबल फायरमैन 2021, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर 2019, फिर ASI का है, ठीक है दोस्तों। तो आपका वैकेंसी कौन सा है, कांस्टेबल फायरमैन का, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं, इसका पोस्ट जो है 1149 था, ठीक है दोस्तों। तो आपके मन में, बहुत से कैंडिडेट के मन में सवाल चल रहा होगा, क्या इसका सीट बढ़ाई जाएगी या नहीं बढ़ाई जाएगी? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसका सीट अब नहीं बढ़ने वाला है। जो सीट 1149 आया है उतना ही रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आगे बात करते हैं। दोस्तों, इसका फिजिकल जो है 10 अक्टूबर को ख़त्म हो चुका है। उसी दिन से जब से ख़त्म हुआ है फिजिकल दोस्तों, तब से CISF अपना तैयारी में लग चुके हैं एडमिट कार्ड तैयार करने में, ठीक है दोस्तों। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि आपका एडमिट कार्ड कब तक आने का चांस है। तो दोस्तों, आपका एडमिट कार्ड जो है दिसंबर तक आने का चांस है, ठीक है दोस्तों। यानी दिसंबर तक आपका आने का चांस है। अब उसके बाद बात करते हैं दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न का। एग्ज़ाम में आपका क्या क्या पूछे जाएंगे? GK से जो है दोस्तों आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग से जो है आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। मैथ से जो है आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और हिंदी और इंग्लिश से जो है आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, ये 12th लेवल से पूछा जाएगा। फिजिक्स जो है, फिजिक्स में जो है आपका 12th लेवल से पूछा जाएगा, और बाकी बात जो है आपका 10th लेवल रहने वाला है क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं एग्ज़ाम से। एडमिट कार्ड तो आपका आ जाएगा दिसंबर में, तो एग्ज़ाम कब होगा? तो दोस्तों, एग्ज़ाम से पहले यानी 15 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, एग्ज़ाम कब आपका होने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। एडमिट कार्ड तो आपका आ गया, तो एग्ज़ाम का डेट क्या रहने वाला है? एग्ज़ाम का डेट जो है दोस्तों आपका जनवरी रहने वाला है। ये दोस्तों मैं आपको कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, एक अनुमान से बता रहा हूँ
कि आपका एडमिट कार्ड इतना दिन में आ जाएगा, तो एग्ज़ाम का डेट क्या रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, मेरे अनुसार से जनवरी तक आपका एग्ज़ाम होने का चांस है, तो आप लोग एकदम जम के तैयारी में लगे रहें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपको ऐसा मौका फिर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि SSC GD में जो CISF का पोस्ट आया है दोस्तों, 100 के आसपास आया है, क्योंकि सरकार इसे प्राइवेट करने के मूड में है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग के लिए ये सुनहरा मौका है कि आपका ये सरकारी जॉब होने वाला है, उसके बाद जो भी हमको लगता है वैकेंसी आएगी CISF में, वो प्राइवेट मूड पे आएगी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर दबा ले दोस्तों, और दोस्तों से भी ज़रूर करवाए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेट के।